एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौआ अपना घोंसला बनाकर रहता था। अंडों को खा लिया। जब कौआ वापस अपने घोंसले में आया तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे अंडों को खा गए? मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले